हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑफिशियल बाबा पर। मेरा नाम है आकाश और मेरा नाम है शालिनी और आज हम आए हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय। मेरा आने का मन नहीं था फिर भी मैं आई हूँ, क्योंकि टिकट बहुत महंगी है। नहीं हाँ यार, टिकट महंगी है, मतलब वैसे तो सिर्फ म्यूजियम की 100 रुपीज़ है और इसके अंदर कुछ शो वो दिखाएंगे, मतलब टोटल मिला के 220 रुपीज़। देखिए ऑनलाइन चेक करिए, अभी हम लोग बस एंट्री कर रही हैं और अभी हम लोग अंदर जाएंगे, टिकट हम लोग देखेंगे कितने की पड़ी है, फिर उससे कंफर्म करेंगे आगे वीडियो में। अगर 250 से ज़्यादा हुई तो मैं यहीं नहीं नहीं होगी, इतने की होगी, 220 की होगी ज़्यादा ज़्यादा। अपनी बाइक यहाँ पे पार्क कर ली है भाई, एडवांटेज है ना, हाथ खुल जाने का एडवांटेज है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, आपको लग रहा होगा कि मैं टी शर्ट में आया और आप मेरे को देख के मेरा देखा देखी टी शर्ट के अंदर निकल के आना, तो भाई हाँ मैं आपको दिखा देते हैं। देखो हम लोगों ने छुपा रखी है, ये देखो ये शर्ट्स है हमारी, इसके अंदर पन्नी के अंदर है ना, हम लोग पहन के आए थे शर्ट्स। तो अगर हमारा देखा देखिए आप लोग सोच रहे हो नहीं भाई शर्ट में आना, दिल्ली में इस टाइम कहीं भी घूमने आओ आपको तो बिना शर्ट के बाहर मत निकलना, आके निकाल देना। हाँ आके निकाल देना, वो ज़्यादा अच्छा है, पार्किंग फ्री है। और मैं प्रधानमंत्री संग्रहालय देखो इसलिए आया हूँ ना, इतनी गर्मी में ना कहीं और बाहर जाने का, आउटडोर शूट करने का मन नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर थोड़ा इंडोर है तो थोड़ा एसी वैसी चलता रहेगा, तो यहाँ पे शूट करने में आसानी रहेगी। अभी आ गए हम टिकट घर, टिकट लेते हैं और फिर आपको बता दें कि टिकट हम लोगों को कितने की पड़ी। फाइनली हम लोगों ने अपने टिकट्स ले लिए हैं। ऐसा है कि यहाँ पे जो विजिटिंग के जो टिकट्स हैं, ये देखो यहाँ भी अभी मिला हुआ है, जो यहाँ पे विजिटिंग की टिकट है ओनली म्यूजियम की, वो 100 रुपीज़ पर पर्सन है, और अगर आप मतलब लाइक 14 ईयर से कम के जो बच्चे हैं उनके लिए 50 रुपीज़ है पर पर्सन। उसके बाद की बात करें तो इसके अंदर कुछ एड ऑन्स आ रहे हैं, एड ऑन्स के अंदर जैसे कि एक वो डिजिटल हेलीकॉप्टर बैठाएंगे, उड़ने वाला नहीं बट डिजिटल है ना, ऐसा लगेगा कि वो उड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो उड़ेगा। वो एड ऑन्स है जिसमें हमारा एक डिजिटल हेलीकॉप्टर राइड रहेगा और साथ में एक पीएम का जो सिग्नेचर रहेगा, एक पीएम के साथ वॉक रहेगी अपने मनपसंद, जो भी पीएम रहेंगे हमारे मनपसंद के अभी तक जो रह चुके हैं, और साथ ही साथ में हमारा और क्या है सिग्नेचर है, सिग्नेचर तो ऑटोग्राफ एक ही हुआ ना। सेल्फी एंड वॉक विद पीएम रहेगा, एक सिग्नेचर रहेगा, हाँ सिग्नेचर रहेगा। प्रधानमंत्री यहाँ फ्री बैठे हुए हैं, बस तुम चलो देखो ना एक्सपीरियंस करना ना कैसा रहेगा। और कुछ खाने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ये भी बताऊंगा मैं आपको। खाने को तो नहीं मिलेगा, मिल रहा है वो बोल रहा था, नहीं मतलब अलग से कैंटीन है यहाँ पे बोल रहा है, कैंटीन में हाँ खा लेंगे, क्यों एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। और हाँ फूल तुम्हारे कपड़ों से मैच हो रहे हैं ना, अरे काट, अरे नहीं तोड़ते नहीं, गंदी बात यार, सब लोग कहेंगे क्या कहेंगे, बेवकूफ एक फूल ही तो लिया है प्रधानमंत्री के यहाँ से। फिलहाल हम उन्होंने अंदर एंट्री कर ली है, स्मार्टफोन मिल रहा है यहाँ तो इधर तुम्हें नया फोन मिल रहा है, बताइए और कुछ भी नहीं है। इंग्लिश कर जी ओके, हमें मिला है ऑडियो गाइडर, इसमें दोनों लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जिसको जैसा भी कंफर्टेबल हो, और उसके बाद ये सारा आपको अंदर आप जैसे एंट्री करोगे ना खुद ऑडियो प्ले होकर बताएगा कि ये क्या चीज़ें हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, जस्ट आपको सारी चीज़ें ऑडियो के थ्रू पता चल जाएगी तो आप बस गो थ्रू कर सकते हो। लेकिन 260 रुपये वाले फ़ोन मिल गया अपना भारी भर तो अच्छा लग रहा है। फिलहाल हम लोग अंदर एंट्री कर रहे हैं और अंदर जो भी एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हम लोग बेसिकली इस जगह पर हैं, इस बिल्डिंग के आगे हम लोग, और ये पूरा देखिए पीछे इस तरीके का बना हुआ है जहाँ भी हम जाएंगे। ऑडियो आ रही है अंदर यार, सुनाता हूँ मैं आप लोगों को, अगर सुना सकता हूँ तो। वापसी में देरी के साथ साथ भुगतान की रूपरेखा, होप सो आपका आवाज आ रही हो, और ये देखिए यहाँ पे पूरी चल भी रही है, इसी वीडियो की ऑडियो हमारे कान के अंदर आ रही है। तो आइए अब मैं मिलवाती हूँ आपको डॉक्टर राजीव का। चलो मेरे को सच में लगा कि कोई बैठा हुआ है। क्या मेरे को सच में लगा कि कोई बैठा हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैठे हैं। तो देखिए ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
और ये लिख रहे हैं संविधान निर्माण। यस हेलो सर, अच्छा लग रहा है लेकिन एकदम ऐसा लग रहा है रियलिटी, मतलब रियल लग रहे हैं बिल्कुल। नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट रूम एंड दिस वन इज मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके इस रूम के अंदर चलते हैं। ओके लेट मी शो यू, दिस इज द सॉफ्टवेयर। ये थोड़ा सा आप बताओ, यही सेम ऑडियो है जो हम लोग यहाँ भी सुन पा रहे हैं। यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं और इस ऑडियो को पूरा सुन सकते हैं और इस वीडियो को देख भी सकते हैं। बहुत पुरानी वीडियोस हैं ये और बहुत ही बहुमूल्य मैं कहता हूँ इन वीडियोस को, तो आप यहाँ पे आके इसको एक्सपीरियंस एक बार जरूर करिए। अभी फिलहाल हम लोग सुनते हैं फिर आगे चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जनरली सारा संविधान कैसे चालू हुआ क्या हुआ उसको दिखाया गया है थ्रू लाइक डिजिटल थिंग्स लाइक टैब। आप यहाँ पे खुद प्ले करके पढ़ सकते हैं, लैंग्वेज भी दी गई है, ऑडियो भी दिया गया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली सारी चीज़ें रीड करके पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे हमको एक डिजिटल बुक दिखाई गई है, स्कैन बार है जो यहाँ पे स्कैन हो रहा है इस मशीन के द्वारा, और जैसे हम लोग पेज को पलटते हैं तो यहाँ पे उसको स्कैन करके जो नेक्स्ट जो भी आना होता है स्क्रीन के ऊपर वो यहाँ हमें डिजिटल बुक की तरह शो होता है। और नेक्स्ट पेज करो, यंग जवाहरलाल जी, यहाँ पे भी आपने देखा है डिजिटल बुक किस तरीके की होती है और उसका एक्सपीरियंस किस तरीके का होता है। अगर आप भी लाइव एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप भी अगर प्रधानमंत्री संग्रहालय आइए और यहाँ पे इस डिजिटल बुक का मतलब एक एक्सपीरियंस करिए, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो अभी हम आए हैं तोस खाना में। तोस खाना मतलब कि जो कोई भी किसी को गिफ्ट देता है, जो संग्रहित रखा जाता है उसको हम कहते हैं तोस खाना। हमारे देश के प्रधानमंत्री को जो जो भी गिफ्ट यहाँ से मिले हुए हैं वो यहाँ पर संग्रहित करके रखे हुए हैं। आप लोगों को लगता होगा जैसे आप लोगों को गिफ्ट मिला उसे आप अपने पर्सनल यूज में लेते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा नहीं है। उन्हें जो भी गिफ्ट मिलता है वो देश का गिफ्ट होता है, एक तरीके से देखा जाए तो उस पर देश के हर एक व्यक्ति का अधिकार होता है। तो उनके यहाँ पे संग्रहित करके रखा गया है और जिन्हें आप आके यहाँ पे देख सकते हैं। आपका नाम क्या है? संजय कुमार। संजय कुमार जी, और आप कहाँ से हैं इंडिया में? मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा और मेरे को 14 साल हो गए इनकी सेवा करते हुए यहाँ। तो यहाँ पर बेसिकली हमें क्या देखने के लिए मिलता है? अभी तो आपको बहुत कुछ देखने को मिल रहा है क्योंकि डिजिटल कर दिया गया इसको। ठीक है, लेकिन पहले जो था डिजिटल नहीं था। ओके अभी कुछ पार्ट हैं जो अभी भी हैं नेहरू जी के, जो अभी भी वैसे के वैसे ही हैं जैसे पहले थे। ठीक है, ये अभी गिफ्ट गैलरी है, ये नहीं बनाई गई है। तो जो भी मतलब वहाँ पे जो उनको गिफ्ट मिलता है यहाँ पे संग्रहित करके रखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी अपने घर लेके जा रहे हो? नहीं, ये हमारे गिफ्ट है, आपके देश के प्रति जो गिफ्ट आते हैं जी वो सब है विदेश मंत्रालय में रखे जाते हैं, वहाँ से हम लेके आते हैं इनको, यहाँ सेट किया जाता है। तो जैसा कि अभी हमें सर के द्वारा पता लगा कि जो भी भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को जो भी गिफ्ट बाहर से मिलते हैं या कुछ भी मिलता है तो वो उनकी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती, वो आपकी और हमारी प्रॉपर्टी होती है और वो उन्हें पर्सनल यूज नहीं रखे हुए, वो यहाँ पे लाके रखे जाते हैं ताकि उन्हें आप और हम लोग देख पाए। सभी का उन पर समान अधिकार होता है, ये सर ने हमें बताया और ये बहुत ही अच्छी बात बताई सर ने। ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, सेकंड पार्ट में आपको जितने भी और प्रधानमंत्री हैं देश के जी, जिसके नेहरू जी के बाद जितने भी प्रधानमंत्री हुए देश के वो सब आप उसके सेकंड पार्ट में देखेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद सर। फाइनली हम लोग का पार्ट वन कम्प्लीट हो गया है। यहाँ पर एक्चुअली दो बिल्डिंग्स हैं, ये पार्ट ए है, अब हम लोग पार्ट बी में जा रहे हैं। दूसरे पार्ट में जितनी भी डिजिटल चीज़ें दिखाई जाएंगी ना, हेलीकॉप्टर राइड, जो साइन है, जो प्रधान साहब फोटो खिंचवाना है, वो सब चीज़ें वहाँ पर रहेंगी। अब चलते हैं हम लोग सेकंड पे।
किसने कर लिए बेवकूफ़ी, पर मैं आपको बताती हूँ कि आज मेरे को सबसे अच्छा ये लग रहा है कि धूप में चल के ब्लॉग नहीं बनाना पड़ रहा है क्योंकि ना बड़ी इरिटेशन होती है ना, पूरा ऐसा चिपचिप सा लगता है। तो आज अच्छा लग रहा है कि पूरा हम एसी में हैं और ब्लॉगिंग कर रहे हैं और थोड़ा अलग सा देखने को कुछ मिल रहा है और पानी भी फ्री है तो फ्री में पानी पी रहे हैं। पूरा ऐसा लग रहा है नाफा वासा में नाम ऐसा है। पूरा मोबाइल वाल दे दिया ना, देखो मोबाइल दे दिया है, पूरा हेडफोन दे दिए हैं, आईडी कार्ड दे दिया है, पूरा ऐसा लग रहा है जैसे ये जगह भी तो ऐसी है ना, ऐसा लग रहा है हम कितने बड़े साइंटिस्ट हों, कितना बड़ा योगदान हमारा देश की प्रगति के अंदर। देखो यहाँ दिखा रखा कैफे भी है। हाँ। कैफे भी जाएंगे हम लोग यार। कैसे खुलेगा ये? ऐसे खुलेगा। भारत संघ में विलय के सुनिश्चितीकरण की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपी गई। अगर आपको आना है यहाँ पे तो आप प्लीज मतलब सुबह ही आ जाइएगा, 11-12 बजे तक आ जाइएगा मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे घूमने में टाइम लगता है। ऊना से हम आए हैं तो आज बहुत खुश हो गया ये मेरा माया। तो अगर वीडियोस देखता है वो लाइक भी करता है। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ पे आप कहाँ से आए? पुणे से। और आपका अपना नाम बता दीजिए। मयंक। आपका नाम मयंक है, आपका नाम अवंती। तो अच्छा लगा आपको यहाँ पे? ठीक है, ओके। मैं वो क्लिप एड ऑन जरूर करूंगा। ठीक है जी, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री, देखो ये दोस्तों देखिए बॉल्स हैं पूरी, और इसको इस क्रम में मतलब लगाया गया है कि पूरा एक चित्र बन रहा है। ये देखिए कितना सही लग रहा है देखने में। Too late to try to contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation.